नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट्स चैनल पर। आज हम एक नई अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं। जी हां, आपके करियर को एक नई उड़ान देने के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में रिक्रूटमेंट जो निकला हुआ है जेई का। ये जो आपकी सैलरी बनने वाली है 13 लाख CTC पर ईयर आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2023। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2023 से और लास्ट डेट होगी 30/11/2023। एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट भी 30/11/2023 है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगी हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हमेशा की तरह जैसे आपको बताते हैं हम आपको बता देंगे, नोटिफाई कर देंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS से 1000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। SC ST फिजिकल हैंडीकैप फीमेल से कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। अपनी आप फीस का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑफलाइन ई चलान माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपकी 30/11/2023 से कैलकुलेट की जाएगी। मैक्सिमम एज 27 साल है और इनके रूल्स जो हैं इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन। और ये कैसे मिलेगा वो हम आपको आगे बता देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट, 5 ईयर की छूट मिल जाएगी आपकी एज रिलैक्सेशन में फॉर SC ST और OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। 10 साल PWD को मिल जाएगी और इनका जो सर्टिफिकेट है ना वो 4/9/2023 से पहले बना होना चाहिए। अब बात कर लीजिए एक्स सर्विसमैन की, तो हाँ जी इनको भी रिक्रूटमेंट में छूट मिल जाया करेगी। और वो कैसे मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर इशू होगा उसके अकॉर्डिंग इनको भी इसमें छूट दे दी जाएगी। पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात ये है कि 10 साल से ज़्यादा छूट किसी को नहीं मिलेगी यहाँ पे। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो पता ही है आपको, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की मार्कशीट है उसी से कैलकुलेट करी जाती है, वही मान्य होती है। अब हम बात कर लें इमोल्यूमेंट्स की, तो ये जो आपका है 40,000 से लेके आपका 1,40,000 तक आपकी सैलरी बन सकती है। और ये ईवन ग्रेड की जॉब है, ठीक है। ईवन इसमें एक कैटेगरी होती है, ग्रुप बी की जॉब है वो, इसमें ईवन एक कैटेगरी होती है E2 ईवन, उसमें ये है आपकी सैलरी 1,40,000 तक बन जाएगी। अगर हम बात करें तो इसमें DLS अलाउंस पर्क्स जो है 35% ऑफ बेसिक HRA जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये भी आपको मिल जाएगा। और जैसे कि अन्य सुविधाएँ होती हैं CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब AAI के अपने ही रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, सैलरी अच्छी है, सब कुछ इसमें अच्छा है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और आपकी जो सैलरी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वो 13 लाख तक बन सकती है। अभी जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, और टोटल जो पोस्ट है 496 है, अनरिजर्व में 199, EWS में 49, OBC नॉन क्लेमर लेयर वाले 140, SC 75, ST 33। और फिजिकल हैंडीकैप की भी यहाँ पे कोई कैटेगरी होती है सी, उसमें 5 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं। अभी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए BSc, जी ज़रूर ध्यान दें BSc, BA नहीं चलेगा, BSc होना चाहिए। और BSc के साथ साथ फिज़िक्स और मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में और आपने फिज़िक्स और मैथ्स अपने सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए किसी भी एक सेमेस्टर में। और कैंडिडेट्स की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब वो बोलने में अच्छे होने चाहिए, लिखने में अच्छे होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी, चूँकि 12वीं लेवल का बेस मांगा गया है इसमें। अब बात कर ली जाए ये जो डिग्री है वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, IIT, IIM जैसी यूनिवर्सिटीज़ या फिर रिकॉग्नाइज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मतलब पासिंग परसेंटेज आपका होना चाहिए जो भी 60% फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं BE BTEC वाले वो भी इसको भर सकते हैं फॉर्म को। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो कि है वो पार्ट टाइम जो भी कोर्स वो करते हैं, मतलब जॉब के साथ साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंट से कोर्स करते हैं, जो भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लो लेवल पे जॉब कर रहे होंगे और उन्होंने अपना कोर्स करा होगा कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज सभी के लिए रेगुलर कोर्स करा होना चाहिए। जी हाँ, इग्नू नहीं चलेगा, ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स यहाँ पर नहीं चलेगा, सो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात करें जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फर्निश्ड एप्लीकेशन एलिजिबल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन इशू करे जाएंगे, रिजल्ट भी आपका इनकी AAI की वेबसाइट पे इशू कर दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है,
कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और सबसे मज़े की बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर ये सभी के लिए इक्विवेलेंट है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा जाती है। जी हाँ, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। मैं खुद इस एग्ज़ाम में अपीयर हो चुका हूँ और मैं इससे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पर काम किया है, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें, इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करें, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 12वीं की मैथ्स फिज़िक्स के ऊपर ज़्यादा बेस होता है। जी हाँ, और इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। इस वजह से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जब भी आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया जाएगा और जो भी इनके डॉक्यूमेंट मेडिकल वगैरह ये जो नॉर्मल से प्रोसेस होते हैं वो यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो है आपके वॉइस स्पीच ओवर टेस्ट भी एक होता है, वो भी टेस्ट यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो कि ऑफिस में होती है, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया जाता है। अगर यही जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस डिपार्टमेंट में बात करी जाए, यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है। जी हाँ, इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, रोप पे चढ़ना होता है, क्लाइंब करना होता है, फिर वहाँ से कूदना होता है और ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाता है। अगर बात कर ले हम कॉमन कैडर मतलब फाइनेंस में जो ऑफिसेस में बैठते हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर भी आपका नॉमिनल सा आपका एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और MS ऑफिस वगैरह का टेस्ट यहाँ पर ले लिया जाता है। अब बात कर ली कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जाती है। जी हाँ, कट ऑफ जो इसकी 2022 में गई है वो गई है 94.755 मार्क्स, EWS में 90.836, OBC में 91, SC में 86, ST में 82 और PWD में 68.167। इतनी हाई कट ऑफ जाने का कारण वही है, 11th 12th की बेसिक्स मैथ्स फिजिक्स आती है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाती है। ये यहाँ पे पैटर्न है इसका, देख लीजिए आप। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और 60 क्वेश्चन रिलेटेड विद मैथ्स एंड फिजिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन 12th पैटर्न। जी हाँ, 120 मिनट्स मिलते हैं। अब तक आप वीडियो में बने रहे तो आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी 100% जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो आप बताएं और हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से समय समय पर अपडेट्स डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम आगामी भर्ती के बारे में आपको अवगत करा सकें। धन्यवाद।